न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। अगर आके कोई बुलडोजर लेके आपके घर आएगा तो हम आपके साथ हैं। हम आके बुलडोजर के और आपके घर के बीच में हमारे बीआरएस पार्टी के लीडर आके ठहर जाएंगे, ये वादा है आपसे। और एक बात नहीं, मैं डायलॉगबाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके खानों को कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप जब तक एकजुट रहेंगे, आप जब तक इकट्ठे रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आप में से फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे भाई आपको मैं अच्छा घर दिलाता हूँ चलो, और अगर इसमें से कुछ पांच दस लोग निकल गए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, अगर एक के घर के पास आ गया है बुलडोजर तो सारे लोग निकलो, भगाओ उसको वहां से। वरना नहीं होता है, वरना आपको अलग अलग करके सियासत करेंगे, आपसे अलग अलग करके आपको बेदखल करेंगे। तो इस वास्ते गुजारिश है, आप इस साजिश में मत जाना। आपको बहुत सुनाएंगे, आपके खानों को खुश करने के लिए बोलेंगे, आपके घरों को अच्छे, आपके बच्चों को अच्छा सा अच्छा स्कूल में दाखिल कर देंगे, तालीम अच्छा दिलाएंगे, आपको अच्छा पैकेज दिलाएंगे, अच्छा घर दिलाएंगे, जबरदस्त ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। आप बिल्कुल बिल्कुल भी उनके बातों में ना आओ। और आखिरी में मैं एक और बात भी बोलता हूँ, मैं इसलिए बोला आपकी हक की लड़ाई क्योंकि 2013 में 11 साल पहले जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, तो वो लोग एक एक्ट लेके आए, उसमें क्या है, जमीन अगर किसी का लेना है गरीब का तो उसको 3 गुना आपको मार्केट का रकम देना पड़ता। अगर ये लेके चलो कि आपका घर आज अगर रजिस्ट्रेशन आपका घर 25 लाख से होता, अगर ये लेके चलो, या 12 लाख से होता, इनको 3 गुना पैसा देना पड़ता। और साथ ही साथ अगर आपको बेदखल करना है तो हर एक घर में एक बच्चे को या बच्ची को एक एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता, एक नौकरी देना पड़ता। और तीसरी बात, आपको वहां से हकालने के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ता। ये सब दिए बगैर